महोदया जो क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम आप बना और मेरा भी थोड़ा जो योगदान है क्योंकि मैं चेयरमैन रहा उसका पार्लियामेंट स्टैंडिंग कमेटी ऑन होम अफेयर मेरे कमिटी से भी वो गुजरा है अंग्रेजों ने बनाया था दंड देने के लिए भारतीय दंड संहिता लेकिन भारतीय जनता पार्टी उसमें जो बना एक्ट पास हुआ जो पहली जुलाई से लागू होना चाहे मुझे बड़ा गर्व महसूस हो रहा है क्योंकि मैंने भी इसमें काम की किया है और उसमें रखा गया है भारतीय न्याय संहिता हम दंड नहीं न्याय दे रहे हैं जो थी उसका नाम रखा गया भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता हमारे कई कांग्रेसी मित्र कहते थे भारतीय नागरिक सुरक्षा नागरिक सुरक्षा मीन्स सिविल डिफेंस हम कहा नहीं जनाब सिविल डिफेंस नहीं उन्नीस में हमारा हमारा संविधान लागू हो गया 1950 में संविधान लागू होने के बाद जो संविधान प्रदत्त अधिकार हैं वो भारतीय नागरिकों को मिल जाने चाहिए था इसलिए जो क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम अंग्रेजों का दिया हुआ था कांग्रेस तो जब आज़ादी आई है देश में देश गणतंत्र बना तो उसके पहले उनको इसको बदल देना चाहिए लेकिन ये तो लोग खुद अंग्रेजी मानसिकता के हैं अंग्रेजों के गुलाम रहे गुलामी को स्वेगा और वही चीज़ स्वीकार करते हैं कि आज वही कानून बना रहे जो अंग्रेजों को बनाया हुआ था तो इन्होंने इसका हमेशा कोशिश किया कि ये ना हो तो कहते हमने कहा नहीं साहब ये है क्योंकि संविधान हमारा लागू हुआ तो ये जो भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता जो सीआरपीसी का अब नया नाम है वो है संविधान प्रदत्त अधिकार जो देशवासियों को उनको देने का है तीसरा है साक्ष्य अधिनियम अब इसमें अधिनियम में मैं बताना चाहता हूं कि अंग्रेजों के लिए इम्पॉर्टेंट था पैसा देश को लूटना उनको मानवाधिकार से कोई मतलब नहीं था जलिया वाला बाग हो तमाम इंसिडेंट और किस तरह से व्यवहार कर, कर कर करते थे मसूरी में जाइए तो हम तो वहाँ ट्रेंड हैं डाग्स एंड इंडियंस आर नॉट अलाउड वो मानसिकता उनकी थी और इसके लिए जो है एक्ट बनाया उस एक्ट में उनको दो सबसे बड़ा जुर्म होता गया मानव हत्या मर्डर और दूसरा होता है बहनों के साथ महिलाओं के साथ बलात्कार लेकिन बलात्कार कहाँ रखा उन्होंने सेक्शन 376 इंडियन पेनल कोड तीन नंबर उनकी वो प्राथमिकता नहीं थी और मर्डर कहाँ रखा 302 लेकिन अब जो बना नया भारतीय न्याय संहिता बना है महोदय पहला चैप्टर है ऑफेंसेज अगेंस्ट वुमेन एंड चिल्ड्रन इसमें जो बलात्कार की सज़ा दी गई है अगर नाबालिग बच्ची है बारह साल से कम है और गैंग रेप होता है तो सजा है फांसी की सजा बलात्कार में आजन्म कारावास की सजा है और मिनिमम है बीस साल तो ये सरकार जो कहती है हम महिलाओं की सुरक्षा करेंगे महिलाओं का अधिकार देंगे और हमने नारी शक्त बंधन अधिनियम इसी पार्लियामेंट में पास किया है उस पर खरी उतरती है और जो नया एक्ट आ रहा है और पहली जुलाई से उसमें महिलाओं के लिए पहला चैप्टर है वुमेन एंड चिल्ड्रन उसके बाद है अगेंस्ट ह्यूमन बॉडी जिसमें मर्डर है उससे जितने रिलेटेड हैं तो इसलिए जो एक्ट बने हुए हैं इसमें हम लोगों ने एक ये किया है इस नए एक्ट में कि हमने न्याय देने का कहा है दंड देने का नहीं अब इसके बाद कई चीज़ें नहीं थी एक था ऑर्गेनाइज क्राइम बड़े बड़े माफिया बने बॉम्बे के हमारे मुरली देवड़ा जी बोल रहे थे आतंकवाद था और वहाँ कौन कौन अंडरवर्ल्ड चलता था वो सभी जानते पूरे देश में था अंग्रेजों के जमाने में नहीं था तो उसके बाद जो ऑर्गेनाइज क्राइम के खिलाफ एक्ट बनना चाहिए था वो नहीं था उत्तर प्रदेश का मैं रहने वाला हूँ पुलिस अधिकारी रहा हूँ डीजीपी रहा हूँ और उत्तर प्रदेश में गैंगस्टर पर कार्रवाई हुई हजारों करोड़ की संपत्तियाँ जब्त की गई क्योंकि हमारे पास उत्तर प्रदेश में उत्तर प्रदेश गैंगस्टर एक्ट था महाराष्ट्र में मकोका था लेकिन अब की बार ये जो ऑर्गेनाइज क्राइम है को नए अधिनियम में जोड़ा गया है जिससे पूरे देश में ये जो ऑर्गेनाइज क्राइम है उसको उसी तरह से जड़ से ख़त्म कर दिया जाए जिस तरह से उत्तर प्रदेश में हुआ है और आज उत्तर प्रदेश का जो माफियाओं पर कार्रवाई है वो केवल हमारे देश में नहीं हमारे प्रदेशों में हम होती है और विदेश में एक नीएम थे ऑस्ट्रेलिया के उन्होंने कहा भाई उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री कुछ दिन हमारे यहाँ जाना चाहिए था तो ये जो है, है, है। दूसरा टेररिज्म मुरली देवड़ा जी का बता रहे थे बॉम्बे में रोज विस्फोट होते थे उन्होंने छब्बीस ग्यारह का जी किया जावरी मार्केट का किया इंडिया गेट का गेट वे गे ऑफ इंडिया किया तमाम रोज बम ब्लास्ट होते थे और ये हालत था जब बम ब्लास्ट होते थे तो उसको नैरेटिव बदला जाता Conclude, था please. कि रही साहब ये तो भगवा आतंकवाद कंक्लूड प्लीज एक हमारे मेंबर हैं राज्यसभा में अभी दिखाई नहीं पड़ रहे हैं लेकिन उनको जरूर मालूम है कि जब छब्बीस ग्यारह हुआ तो कहा गया ये तो पाकिस्तानियों का हाथ नहीं है ये तो आरएसएस का हाथ है और इंडियन मुजाहिदीन जो नाम है ये है बजरंग दल का नेम है। और वहां पर एक किताब लिखाई गई छब्बीस ग्यारह आर की साजिश इसके अलावा एक वहाँ रिटायर्ड आईजी जी जनाब थे उन्होंने भी लिखा और वो राज्यसभा सांसद कांग्रेस के हैं एक प्रदेश के मुख्यमंत्री रह चुके हैं उन्होंने बंबई जाकर के उसका अनावरण किया दिल्ली में विमोचन किया सॉरी विमोचन किया दिल्ली में वहां किया कि ये आतंकवाद तो भगवा आतंकवाद है इसी तरह से गोधरा कांड गोधरा कांड का तो लालू यादव जी ने परिदृश्य ही बदल दिया 2005 में वो वहां चुनाव होने वाला था 2004 में रेल मंत्री बने रेलवे मिनिस्ट्री को अधिकार नहीं होता कोई जुडिशियल बनाए केवल राज्य सरकार बनाती है जस्टिस बनर्जी केस बनाया और उन्होंने कहा बनर्जी जी ने इसी रेल भवन में किस कमरे में लिखा जाता था टाइपिस्ट कौन है मैं भी पाँच साल रहा हूँ सात साल रेलवे में डिप्टेशन पर चीफ सेक्यूटरी कमिश्नर रहा हूँ और वहाँ पर वो दस्तखत करते थे बनर्जी साहब और कहा गया प्लीज कंक्लूड प्लीज आई का कंक्लूडिंग मैडम और कहा गया ये तो आतंकवाद था ही नहीं ये तो कोई बाहर से अटैक हुआ ही नहीं ये एक्सीडेंट था और उन्होंने एक वो बुलाया प्रेस कॉन्फ्रेंस बाबा लोग थे चले आ रहे थे अयोध्या दर्शन के बाद चिलम पी रहे थे और आग लग गई हुआ पर दृश्य बदल दिया अहमदाबाद हाई कोर्ट का सलाम करता हूँ इन्होंने जो रिपोर्ट बनाए लोकसभा राज्यसभा में पेश नहीं कर पाए और उसको अहमदाबाद हाई कोर्ट ने ख़त्म कर दिया उसमें 11 लोगों को फांसी और 21 को आज हम कारावास हुआ तो Please आज conclude. जो पूरे देश में कहीं आतंकवाद नहीं है आज जीरो टॉलरेंस की नीति है हमारी नीति है इच्छा शक्ति है और जब ये शांति व्यवस्था नहीं रहती तो डेवलपमेंट नहीं होता क्योंकि आज पूरे देश में शांति व्यवस्था है इसलिए भारत आज पांचवी अर्थव्यवस्था बन चुका है तीसरी हम दो साल में बनने जा रहे हैं और सैंतालीस में मोदी जी का जो विकसित भारत है हम बनेंगे और 100 परसेंट बनेंगे जिसका एक मूल आधार होता है कानून व्यवस्था शांति व्यवस्था आतंकवाद अपराध के पर जीरो टॉलरेंस इसके लिए मैं इस शब्दों के साथ माननीय राष्ट्रपति जी को उनके भाषण पर मैं बहुत बहुत उनको धन्यवाद देता हूँ जय हिंद जय भारत स्पेशल मेंशंस